What's up guys, ये तुम्हारा भाई उमेश एक फिर से एक नई वीडियो के साथ। और आज हम बनाने जा रहे हैं जो कि है होममेड प्रोटीन शेक। बट उससे पहले आप लोगों ने मेरी वीडियो जो कि पहली वीडियो थी उसमें बहुत ही ज्यादा मेरे को प्यार दिखाया, बहुत ही अच्छे लाइक्स मिले, बहुत ही अच्छे सब्सक्राइब मिले, सो थैंक यू सो मच। मुझे और थोड़े सब्सक्राइबर्स की जरूरत है जिससे मैं और ग्रो हो सकूं और आपके लिए और भी नई नई वीडियो ला सकूं। सो भाई आज जो अपनी वीडियो है वो है होममेड प्रोटीन शेक के बारे में। जैसे कि आपने सुना था तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही इसेंशियल है, बहुत ही यूजफुल है हमारे जिम लवर्स के लिए जो कि मैं खुद हूँ। सो सबसे इजी बात है भाई कि ये जो वीडियो है ये मैं खुद मेरे पे अप्लाई कर चुका हूँ, मतलब मैं खुद ये मेरी डाइट में इंक्लूडेड है। और ये जो है प्रोटीन शेक ये नेचुरल है, सबसे पहली बात तो ये आपको इफेक्ट नहीं करेगा किसी भी इसमें और आपको कोई डर नहीं होगा क्योंकि सब नेचुरल प्रोडक्ट्स है और बहुत ही चीप है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आएगा जो कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा भाई है, सब कुछ करेगा आपके लिए बहुत ही ईजिली, बहुत ही हेल्पफुली। ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें यूज करना है, उसको कैसे मिक्स करना है, कब कब खेलना है, प्री वर्कआउट लेना है, पोस्ट वर्कआउट लेना है। सो स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच। सो गाइस बढ़ते हैं इंग्रेडिएंट की तरफ। जो कि हमारा पहला इंग्रेडिएंट है वो है बनाना, जो कि मोस्ट पॉपुलर है। और इसके अंदर हमें मिलेगा हाई प्रोटीन और हाई कार्ब्स जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ही अच्छा है वेट अच्छा गेन करने के लिए और मसल गेन करने के लिए। सेकंड चीज हमारे पास अगर आप देखोगे तो हमारे पास है ड्राई फ्रूट, जिसमें मैंने लिया हूँ आमंड्स एंड काजू, जो कि ये भी बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ही न्यूट्रिशियस है। देन सेकेंड आप देखोगे उसके बाद हम ले रहे हैं ओट्स, जो कि डाइट्स में लोग लेते हैं और ज़्यादातर मैंने देखा कि ओट्स जो लेते हैं वो बोलते हैं कि यार ओट्स है ना हमें खाने जम नहीं रहा है या ये नहीं हो रहा है, इसीलिए मैंने ओट्स लिया क्योंकि इसकी हेल्थ की बेनिफिट्स भी आपको मिल जाएगी और साथ ही साथ आपके शेक में जो है स्मूथनेस भी आ जाएगी और आपको वियर्ड भी नहीं लगे खाने के लिए, टाइम भी नहीं जाएगा क्योंकि ओट्स जो है खाने थोड़ा टाइम जाता है ज़्यादातर लोगों को। सो उसके बाद हमारे पास देखिए हम लेंगे डेट्स। डेट्स जो है वो बहुत ही हेल्पफुल है आपको, जैसे कि पता होगा डेट्स हमें लेना है थोड़ा अच्छी क्वालिटी का और वेट, जो कि थोड़ा मैशी हो। आप शॉप्स में जाओगे तो उनको आप बोलोगे कि हमें शेक बनाना तो आपको खुद को ही रिकमेंड कर देंगे, सो मुझे उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे हम ले रहे हैं हनी शुगर के बदले, शुगर हम नहीं ले रहे क्योंकि शुगर जो है हमारे प्रोटीन शेक को बहुत ही ज़्यादा फैटी बना देगा और उसकी प्रोटीन कंज्यूमशन कम कर देगा और वो हाई प्रोटीन के बदले थोड़ा कम हो जाएगी। सो उसके बदले हम ले रहे हैं हनी, जो कि स्किन के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, ब्राइट करेगा और बहुत ही न्यूट्रिशियस नेचुरल है। और हम यूज़ कर रहे हैं डाबर का हनी जो कि मोस्ट पॉपुलर है। एंड इसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं पीनट बटर। ओके, तो पीनट बटर भी हम यूज़ कर रहे हैं मसल ग्लेज का, ये मैंने न्यू बनवाया है। इसके अंदर ओमेगा फैट है और फाइबर है, किशन से बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छे रेंज में आप देख सकते हो ऑनलाइन मिल रहा है, ये चेकआउट कर सकते हो। ओके, एंड उसके बाद हम ले रहे हैं ये जो है पीनट बटर का बॉक्स दिख रहा है बट ये वो नहीं है, ये है मिल्क पाउडर जो हम ड्राई मिल्क ले रहे हैं यूज़ करने के लिए। और हम इसके साथ साथ वाटर लेंगे जो कि इसको लिक्विड आइस करेगा। ओके, ये जो
ठीक है। आप जिम में जाने से पहले भी पी सकते हो अगर आप मॉर्निंग में जाते हो, और अगर आप जिम से आते हो उसके बाद पियोगे तो बेटर है, क्योंकि आप जिम से जब आते हो तो आपकी मसल जो है टायर होती है, रिकवर होने के लिए होती है, तो उस टाइम पे ये बहुत हेल्पफुल होगा और आप उस टाइम पे ले सकते हो लाइक पोस्ट वर्कआउट में। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो यार कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो जो मैंने नीचे बनाया है वो आपको अच्छा लगा या आपके हेल्पफुल हुआ या नहीं हुआ। और भी आपको ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस चेक करना है तो यार मेरे चैनल को जरूर से जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको नई वीडियो की अपडेट्स आती रहेगी। सो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।